कुछ भी करने से पहले पहले अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचें। आपको अगर अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली वो करें। सेल्फ डिपेंड बनिए। मैं पहले बहुत डरती थी, एकदम से फिर मॉडर्न रहने लग गए तो लोग पूछते हैं यार तेरी मम्मी है, हाँ यार विश्वास नहीं हो रहा यार कि तू भी कुछ सीख तेरी मम्मी से। लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, पापा तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके ज्यादा कोई सपोर्ट ही नहीं करता। प्रिया सिंह मेघवाल ने जीता गोल्ड मेडल, आज उन्होंने करी है अपने मन की बात। आइए जानते हैं जो हर नारी हर महिला हर लड़की को जाननी चाहिए कि किस तरह से फाइट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आप तक ला सके ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें। पड़ी थी फिर शादी हो गई, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मुझे किसी के घर में झाड़ू पोछा करना ये पसंद नहीं था, पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, उस वजह से जिम में मैंने एक इंटरव्यू दिया और मेरी हाइट और पर्सनैलिटी के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। जॉब पे रखने के बाद मैं ट्रेनर बनी। फीमेल को बहुत कष्ट होता है बॉडी बनाने के लिए, मेल से 3 गुना ज़्यादा डाइट, मेल से 3 गुना ज़्यादा वर्कआउट, मेल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तब जाके फीमेल की बॉडी बनती है, क्योंकि मेल में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में बहुत ज़्यादा फैट होता है। कॉम्पिटिशन से 15 दिन पहले या 7 दिन पहले आपको नमक छोड़ना पड़ता है, और कॉम्पिटिशन पर जा रहे हो आप, अगर आपका प्री है तो 1 दिन पहले पानी छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तो शर्म नहीं आती बिकनी में ऐसे खड़े हो जाते हो, कुछ ऐसे बोलते हैं कि क्यों करनी है बॉडी बिल्डिंग, घर संभालो बच्चे संभालो, कुछ ऐसे बोलते थे कि आदमी बन गई है, अब 1000 तरह के कमेंट थे। भाई को पता चला, भाई ने ऐसे बोला कि सोती को मार जाऊंगा मैं। जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ ना तब से मुझे आटे दाल चावल का भाव नहीं पता। मुझे मेरी बेटी हाथ में ब्रेकफास्ट देती है, हाथ में अंडे देती है, चिकन देती है, कपड़े मेरे को धुले हुए देती है, सब कुछ हाथ में देती है। आज मैं हूँ बॉडी बिल्डर मेरी बेटी की वजह से। कॉम्पिटिशन में आई थी तो मैंने घर पे मतलब 2 कॉस्ट्यूम दिखाए थे, स्पोर्ट्स वाला शॉर्ट्स और बिकनी दोनों दिखाए थे। बाकायदा मैंने घर वालों से परमिशन ली कि देखो ये है ना ये स्टेट तक पहन सकते हैं स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स, और अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल जाना है तो आपको ये बिकनी पहननी पड़ेगी। तो आप तो ये बता दो मैं कौन सा पहनूं और करूं कि नहीं करूं। घर वालों का दोनों का, आप अच्छा कर लो कितना भी अच्छा कर लो आपके बीच में जातिवाद आ ही जाता है। मैं ऐसी समाज से एक वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलती। लोगों ने बोला था कि तुम्हें राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया होगा, बहुत गर्व की बात होगी। मैं क्या बोलूं, मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं। तो फिर उन्होंने यही बोला फिर ऐसी सरकार किस काम की जो एक फीमेल के लिए आंख बंद करके बैठी है। उनको नहीं दिखता कि एक लड़की एक औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि बॉडी बिल्डिंग में आई है। मैं घर जाती हूँ तो मेरा वही शेड्यूल है, मैं बिल्कुल मेरी चूड़ी हाथ में होगी, पैर में पायल होगी, पीछे होगी, सर पे इतनी बड़ी बिंदी होगी और दुपट्टा होगा, वो सब। मम्मी पापा घर जाते हैं तो कुछ है। वो मुझे नहीं कहते मेरी बेटी क्यों जींस पहन रही है, मेरी बेटी क्यों लोअर पहनती है, मेरी बेटी नहीं। मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका। अभी बहुत टाइम बाद में मैंने मेरे पापा गए थे क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मैं पहनूं तो क्या पहनूं, तो मैं उसी में चली गई। तो मेरे पापा ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तूने क्यों जींस पहनी। मैं कह रही पापा मैं बाजार जाऊं कौन, क्यों मैं पापा मैं तो कपड़ा ही कौन आई यार सब है आ जा चोखा लग गया। मतलब अलग जैसे एकदम घरेलू टाइप रहते थे तो एकदम से फिर मॉडर्न रहने लग गए तो लोग पूछते हैं यार तेरी मम्मी है, हाँ यार विश्वास नहीं हो रहा यार कि तू भी कुछ सीख तेरी मम्मी से। लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, पापा तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके ज़्यादा कोई सपोर्ट ही नहीं करता। कुछ भी करने से पहले पहले अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचें। आपको अगर अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली वो करें। सेल्फ डिपेंड बनिए। मैं पहले बहुत डरती थी सच में, और मेरे साथ बहुत हरकतें भी हुई है, बहुत गलत हुई, पर जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ मैं सामने वाले। आशा है मित्रों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद जय भारत।